गाइस तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो समर स्लैम से लेकर वेदर रिपोर्ट आ रही है एंड गाइस हमारे कल के मंडे नाइट रॉ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और गाइस हमारे एमवीपी ने न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली है सेथ फ्रीकन रॉलिंस। कल में आगे क्या कहेंगे, क्या मतलब डिस्कशन करेंगे रेफरी की, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस समर स्लैम की टिकट सेल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब रही नहीं है, 6000 टिकट्स रह गई हैं जो बिक जाएंगी एंड गाइस आपको पता है जस्ट वन वीक रह गया है, उसके बाद समर स्लैम आने वाली है एंड 6000 टिकट्स रह चुकी हैं जो बिकने वाली है, मतलब बिक ही जाएंगी यार। आफ्टर ऑल आपको पता है इतना बड़ा पेपर व्यू होता है तो बिक जाएंगी ये टिकट्स। तो ये होने वाला है समर स्लैम पेपर व्यू एंड गाइस एक और अपडेट आ रही है कि समर स्लैम जहाँ पे होने वाला है वहाँ पर वेदर रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है, माना जा रहा है वहाँ पर बारिश हो सकती है। अकॉर्डिंग टू समर स्लैम के दौरान बारिश भी हो सकती है और बारिश में खेल रद्द करना पड़ सकता है थोड़ी देर के लिए। एंड गाइस आपको पता है एक बार रसलमेनिया में भी ये चीज़ हो चुकी है एंड गाइस उसके बाद खेल रद्द करना पड़ा था थोड़ी देर के लिए, तो वो सेम चीज़ हो सकती है। लेकिन गाइस माना ये जा रहा है अगर ये सेम चीज़ होती तो डब्ल्यू कुछ तो प्लान करके चलेगी, ये नहीं कि हाँ बारिश हो जाए। तो वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शनिवार को होगा ना वहाँ पे, तो एक दिन बाद मतलब डिफरेंस होता है टाइम का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जब होगा तो देखने में पता चल जाएगा कि यहाँ बारिश होती है नहीं। बाकी कहा जा रहा है वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बारिश हो सकती है एंड बारिश होने के बाद देखो गाइस होती है या नहीं, एंड अगर बारिश होती है तो थोड़ी देर के लिए डिले हो जाएगा और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और थोड़ा ना हो सकता, थोड़ी देर के लिए डिले हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है एमवीपी से, एमवीपी ने न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली है, उन्होंने ब्लड स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया है। आपको पता है वो रिलीज़ हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से एंड उन्होंने ब्लड स्पोर्ट ज्वाइन कर लिया है एंड उन्होंने एक बंदे को चैलेंज भी कर दिया है फॉर अ मैच और उन्होंने कहा अभी मैं रिटायर नहीं होने वाला हूँ, अभी मैं और ज़्यादा रसल करूँगा। एंड गाइज आपको पता है वो निकल चुके हैं एंड बहुत जल्दी हमें बॉबी लैशली भी जाते हुए दिखेंगे। एंड गाइज यही चीज़ मैटर कर रही है कि ये और इंडेड प्रमोशन में रेसलिंग करेंगे एंड हमारे जिंदर महाल ने गाइज चैंपियनशिप जीत ली है दूसरी प्रमोशन में जाके। एंड नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी हमारी कल मंडे नाइट रॉ से, कल की मंडे नाइट रॉ में हमें सेथ फ्रीकन रॉलिंस देखने को मिलेंगे जो हमें टारगेट करते दिख सकते हैं दोनों को एंड गाइस रूल्स समझाते हुए दिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ रीजन सेथ फ्रीकन रॉलिंस ने कहा कि तुम्हें मुझ पर नहीं आपस में अटैक करना है, आपस में लड़ना है। देखो गाइस कल मंडे नाइट रॉ में क्या होता है एंड गाइस कल मैचेस भी हैं, हमारी शीना बेजलर जो स्टॉक का मैच है अगेंस्ट टैग टीम एंड गाइस हमारे जेवियर वुड का मैच अगेंस्ट हमारे कैरियन क्रॉस एंड गाइस ये चीज़ें होने वाली है कल की मंडे नाइट रॉ में। मंडे नाइट रॉ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है तो गाइस हमारे लोगन पॉल को फेस करना चाहते हैं फिन बैलर, उन्होंने कहा कि वो रिटायर होने से पहले लोगन पॉल को फेस करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ इज लोगन पॉल इज अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर सब कुछ है एंड राइट नाउ वो रेसलर भी बन चुके हैं, बॉक्सर भी रह चुके हैं। एंड गाइस लोगन पॉल को फेस करना चाहते हैं फिन बैलर और उन्होंने कहा है एंड कल उनका मैच होने वाला है गुंथर के सामने, तो उनका ये मानना है कि वो फेस करना चाहते हैं लोगन पॉल को। एंड गाइस देखो उनकी ख्वाहिश के लिए तमन्ना पूरी होती है नहीं, ऐसे ब्रॉक लेसनर ने एक बार कहा था, सॉरी कॉफी किंगस्टन ने कहा था हारने के बाद मुझे दोबारा से मिलना है ब्रॉक लेसनर से एंड ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न नहीं होने वाला। देखो होता है समर स्लैम में नहीं होता है, अगर गुंथर के मैच में हो तो गाइस बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। एंड देखो गाइस कल की मंडे नाइट रॉ में क्या चीज़ें होती हैं। तो गाइस मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जिले जिला फाटू से, जिला फाटू भी एक कंपनी के अंदर अभी है एक्टिव स्टार एंड गाइस वो चैंपियन है, तो अभी उनका कोई लग नहीं रहा आने का, तो मुझे लगता है फ्यूचर में वो आएंगे जब उनका उस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ खत्म हो जाएगा। एंड गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शॉकिंग मूवमेंट निकाले टॉप 10, तो गाइस इसमें सबसे टॉप पे है डेमियन ब्रेस का कैश इन, उसके बाद सीएम पंक आता है, ड्रू मैकइंटायर का कैश इन आता है। तो ये अपडेट्स थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।